नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी न्यूज। मैं हूं आपके साथ राजनंदिनी शर्मा। शाम की बड़ी खबरों का रुख करते हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया द्वारा कांग्रेस के लिए कोटा में मीडिया को दिए गए बयान को लेकर विरोध तेज हो गया है, जिसके विरोध में हाड़ौती विकास मोर्चा के संभागीय अध्यक्ष ने कोटा से जयपुर जाते समय सतीश पूनिया को बूंदी रोड पर काले झंडे दिखाए। टोंक जिले के देवली में विधायक हरीश चंद्र मीना ने जयपुर कोटा बाईपास स्थित देवली की नई कृषि उपज मंडी का लोकार्पण किया। इस मौके पर विधायक ने राजीव गांधी कृषक साथी योजना के तहत आवेदकों को कृषि उपज मंडी समिति की ओर से 16.40 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि के चेक संबंधित पीड़ितों को वितरित किए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला एक दिवसीय कोटा दौरे पर रहे, जहां उम्मीद भवन पैलेस पहुंचने पर उनका स्वागत किया गया। उन्होंने पूर्व सांसद और महाराव ब्रज सिंह के निधन पर महाराज कुमार इजयराज सिंह से भेंट कर संवेदनाएं व्यक्त की। लोकसभा अध्यक्ष बिरला के साथ उनकी पत्नी अमिता बिरला भी मौजूद थी। अब खबर श्रीगंगानगर से है, जहां मानवता को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। जब एक महिला को डिलीवरी के लिए अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टर और अस्पताल प्रशासन ने डिलीवरी करने से इनकार कर दिया। महिला दर्द से तड़पती रही, लेकिन किसी का दिल नहीं पसीजा, जिसके बाद परिजन महिला को लेकर एक प्राइवेट नर्स के घर पहुंचे, जिसने डिलीवरी करवाई, लेकिन बच्चे को नहीं बचा पाए। परिजनों ने अस्पताल में तैनात कंपाउंडर हॉस्पिटल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप भी लगाया है। मेरी बच्ची को रात के 9 बजे अस्पताल में, हाँ जी, 365 टेड, हाँ जी, आए फिर भर्ती करी, बाकी मार्किन ड्रेवरी नहीं होती, 1 बजे तक मारे रखा, फिर के छुट्टी ले जो आपकी बोतल बतल सारी पट दी। ठीक है जी। हैं, पट पुट रहे, टीका टुका फेंक दिया, बोतल फेंक दी सारी। ठीक है। बाद में बच्चों आप दो बारे हो, हाँ जी, आदो की माँ हो। ठीक है। फिर भैया बोतल बोतल सारी पट दी। ठीक है। मारे के बोलिया भी थे जाओ। ठीक है। मार तो नहीं होता। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां कोतवाली थाना पुलिस ने लगभग 1.5 माह पहले गश्त के दौरान चोरी की योजना बनाते 2 लोगों को गिरफ्तार किया था। इस दौरान 2 आरोपी पुलिस को चकमा देकर भागने में सफल रहे थे। इस वक्त पुलिस लगातार इनको गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही थी। पुलिस को सूचना मिली कि दोनों ही आरोपी अलग अलग मामलों में जिला जेल में बंद है। इस पर पुलिस ने दोनों को प्रोडक्शन वारंट से गिरफ्तार कर लिया। 12 जिले के अंता की दाई मुख्य नहर में बकरियां चराने गया 14 वर्षीय बालक नहर में पानी पीते समय पैर फिसलने से नहर में डूब गया। मामले को लेकर आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचित किया और DYSP तरुण कांत सोमानी पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे। साथ ही SDRF टीम को बुलाया गया और बालक का सर्च अभियान भी शुरू किया गया, लेकिन 5 घंटे बाद भी बालक का कोई सुराग नहीं मिल पाया। खबर अब चित्तौड़गढ़ के कपासन से है, जहां रविवार को थाने के स्वागत कक्ष में DSP गीता चौधरी और थानाधिकारी दलपत सिंह राठौड़ की उपस्थिति में सुरक्षा सखी समूह की बैठक आयोजित हुई। बैठक में DSP गीता चौधरी ने उपस्थित महिलाओं और बालिकाओं से सुरक्षा, उनके अधिकारों और कानून की जागरूकता को लेकर संवाद स्थापित किया। राजस्थान में एक बार फिर 9 फरवरी से मौसम बदलेगा और 3 दिन बारिश होगी। बारिश से सर्दी का असर बढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग का मानना है कि राज्य में एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। इसके असर से पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान के कुछ जिलों में 11 फरवरी तक बारिश होने की संभावना है। प्रजापति ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय और भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय की ओर से पूरे देश में चलाए जा रहे आजादी के अमृत महोत्सव का आयोजन किया गया। वहीं ब्रह्मा कुमारी स्थानीय शाखा टोंक में मीडिया कर्मियों के लिए सशक्त मीडिया से सशक्त भारत की ओर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अब खबर प्रतापगढ़ से है, जहां भाजपा मंडल पीपल खूंट की बैठक आदेश्वर महादेव मंदिर परिसर पीपल खूंट में रखी गई। बैठक का मुख्य उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी आजीवन सहयोग निधि संग्रह में पंचायत स्तर पर कार्य कराने के लिए था। बैठक में विधायक हरेंद्र निनामा, मंडल अध्यक्ष नारायण लाल निनामा और अन्य कार्यकर्ता भी उपस्थित थे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए TPB न्यूज। नमस्कार।